ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक इज पोरफायरियाज। ये सारा टॉपिक आप लोगों ने लिपिन कॉर्ड से करना है। पोरफायरियाज इट इज़ अ रेयर हेरिडिटरी डिजीज इन विच देयर इज एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्लड पिगमेंट हीमोग्लोबिन। Porphyria is a group of diseases in which substances called porphyrins build up, affecting the skin or nervous system. Or it is a group of rare disorders caused by deficiencies of enzymes of heme biosynthetic pathway. Affected individuals have an accumulation of heme precursors, that is porphyrins, which are toxic at high concentrations. So basically there are two definitions of porphyrias. Ek to ye ki it is a rare hereditary disease in which there is abnormal metabolism of blood pigment hemoglobin, or there is buildup of porphyrins affecting the skin and nervous system. Second is a group of rare disorders caused by deficiencies of enzymes of heme biosynthetic pathway. An affected individual have an accumulation of heme precursors, porphyrins, which are toxic at very high concentrations. अब इसके ट्रिगर कैसे होते हैं porphyrins के इवेंट्स? These can be due to certain drugs, chemicals, foods, and also by exposure to sun. Treatment iski kya hai? Administration of hemin, which provides negative feedback for the heme biosynthetic pathway and therefore prevents accumulation of heme precursors. This is a simple pathway for heme formation and the subsequent substances formed along with the enzymes. ये मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि इनको कैसे याद करना है। अभी आप लोग ये जो पाथवे लिपिन कॉर्ड में दिया हुआ है कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है कि ग्लाइसिन और सक्सिनाइल को ये कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म डेल्टा अमाइनो लेविलोनिक एसिड और ALA। उसके बाद जो इसमें एंजाइम यूज होता है दैट इज ALA सिंथेज, और अमाइनो लेविलोनिक एसिड जो है वो इसमें बनता है। देन हमारे पास बनता है पोरफोबिलिनोजन, जिसको PBG भी कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ALA हाइड्रेटेज। देन हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल वायलिन बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पोरफोबिलिनोजन डीएमिनेज। देन यूरोपायरफेरोजन 3 बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूरोपायरफेरोनोजन 3 कोसिंथेज। देन कॉप्रोपोरफायरेजिन बनता है 3 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूरोपोरफायरोजन डीकार्बोक्सिलेज। देन प्रोटोपोरफायरोजिन 9 बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉप्रोपोरफायरोजिन ऑक्सीडेज। Then protoporphyrin 9 in the presence of enzyme protoporphyrinogen oxidase. And finally heme बन जाता है हमारे पास ferrochelatase की presence में। अब अगर ALA dehydrogenase की deficiency हो
तो उससे क्या चीज़ हो सकती है? ए एल ए डिहाइड्रेटेज डेफिशिएंसी पोरफायरिया। अगर पी बी जी डी एम इनेज की डेफिशिएंसी हो एंजाइम की तो एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया होता है, और अगर यूरोपोरफायरोजन थ्री की डेफिशिएंसी हो तो कंजेनिटल एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया, एंड अगर यूरोपोरफायरोजन डी कार्बोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो तो पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा, एंड अगर कॉप्रोपोरफायरोजन ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी हो तो हेरिडिटरी कॉप्रोपोरफायरिया। प्रोटोपोरफायरोजन ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी हो तो वेरीगेट पोरफायरिया। इनफेरोजेलिटेज की डेफिशिएंसी हो तो एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया। पोरफायरियाज को हम बेसिकली क्लासिफाई करते हैं इनटू एरिथ्रोपोएटिक और हिपेटिक, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एंजाइम डेफिशिएंसी अकर्स इन द एरिथ्रोपोएटिक सेल्स ऑफ द बोन मैरो और इन द लिवर। हिपेटिक पोरफायरियाज को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू क्रॉनिक और एक्यूट, जनरली वो लोग जिनमें एंजाइम डेफिशिएंसी होती है प्रायर टू द सिंथेसिस ऑफ टेट्रापायरोल्स मैनिफेस्ट एब्डोमिनल एंड न्यूरोसाइकेट्रिक साइंस, वेर आर दोज विद एंजाइम डिफेक्ट लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ टेट्रापायरोल इंटरमीडिएट्स शो फोटो सेंसिटिविटी, दैट इज देयर स्किन इचेज एंड बर्न्स व्हेन एक्सपोज टू विजिबल लाइट। क्रॉनिक हेपेटिक पोरफायरिया, एक्यूट हेपेटिक पोरफायरिया एंड एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया। क्रॉनिक हेपेटिक पोरफायरिया इसमें आ जाता है पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन पोरफायरिया। इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज ऑफ लिवर। द डिजीज इज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी इन यूरोपोरफायरोजन डी कार्बोक्सिलेज, बट क्लिनिकल एक्सप्रेशन ऑफ द एंजाइम डेफिशिएंसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाई वेरियस फैक्टर्स सच एज हिपैटिक आयरन ओवरलोड, एक्सपोजर टू सनलाइट, अल्कोहल इंजेशन एंड प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी और सी और एच आई वी इन्फेक्शन। दीज ऑल इफेक्ट दिस क्रॉनिक हिपैटिक पोरफायरिया एंड इट इज द मोस्ट कॉमन पोरफायरिया, पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा। क्लिनिकल ऑनसेट कब होता है इस डिजीज़ का? क्लिनिकल ऑनसेट इज टिपिकली ड्यूरिंग द फोर्थ और फिफ्थ डेकेड ऑफ लाइफ। पोरफायरिन एक्यूमुलेशन लीड्स टू क्यूटेनियस सिम्टम्स एंड यूरिन दैट इज रेड टू ब्राउन इन नेचुरल लाइट एंड पिंक टू रेड इन फ्लोरेसेंट लाइट।
सम पिक्चर्स ऑफ दी पोरफायरिया. इसमें आप देखें स्किन इरप्शन इन अ पेशेंट विद पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा एंड यूरिन फॉर्म अ पेशेंट विद पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा इज राइट एज कंपेयर टू द नॉर्मल यूरिन लेफ्ट. फिर आ जाते हैं एक्यूट हेपेटिक पोरफायरियास. एक्यूट हेपेटिक पोरफायरियास आर ड्यू टू एएलए डिहाइड्रेटेज डेफिशिएंसी एंड दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट अटैक्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल न्यूरोसाइकाइट्रिक एंड मोटर सिम्टम्स दैट मे बी अकम्पनीड बाय फोटोसेंसिटिविटी. Symptoms of acute hepatic porphyrias are often precipitated by administration of drugs such as barbiturates and ethanol, which induce the synthesis of heme-containing cytochrome P450 microsomal oxidation system. This further decreases the amount of available heme, which in turn promotes the increased synthesis of ALAS1. तो ये चीज़ें जो हैं ये ट्रिगर्ड हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन ड्रग जो कि साइटोक्रोम P450 माइक्रोसोमल सिस्टम ऑफ ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन जो है इन लिवर उसको इफेक्ट करती हैं और उसको इंड्यूस कर देती हैं, मतलब उसको फास्ट कर देती हैं, और जिसकी वजह से और ज़्यादा ALAS जो है एंजाइम वन वो सिंथेसाइज होने सॉरी ALAS जो है वो ज़्यादा डेल्टा माइनोलेविनोनिक एसिड जो है वो ज़्यादा बनने लग जाता है. नेक्स्ट इज द एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरियास. Erythropoietic porphyrias are characterized by skin rashes and blisters that appear in early childhood. The disease is complicated by cholestatic liver cirrhosis and progressive hepatic failure. Next is the increased ALA synthase activity. One common feature of porphyrias is a decreased synthesis of heme. In the liver, heme normally functions as a repressor of gene for ALAS1. Therefore, absence of this end product results in an increase in the synthesis of ALA synthesis 1. Kyunki heme nahi hogi to wo usko negatively control nahi kar sakegi. This causes an increased synthesis of intermediates that occur prior to genetic block. The accumulation of these toxic intermediates is a major pathophysiology of the porphyrias. क्या हो रहा है इसमें कि हीम की सिंथेसिस कम है तो वो
ALAS1 जो है एंजाइम, उसको सप्रेस नहीं कर पाएगी, उसको नेगेटिवली कंट्रोल नहीं कर पाएगी जब, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सब्सटेंसेस जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक्यूट प्रोफाइरिया अटैक तो है, पेशेंट रिक्वायर मेडिकल सपोर्ट, पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट फॉर पेन एंड वॉमिटिंग। सिवेरिटी ऑफ सिम्टम्स ऑफ पोरफायरियाज कैन बी डिमिनिश्ड बाई इंटरवीनस इंजेक्शन ऑफ हीमिन एंड ग्लूकोज विच डिक्रीज द सिंथिस ऑफ ALAS1। अवॉइडेंस ऑफ सनलाइट एंड इंजेक्शन ऑफ बीटा कैरोटीन्स आर हेल्पफुल इन पोरफायरियाज विद फोटो सेंसिटिविटी। सो एक इसकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है जो ऊपर की दो लाइनें हैं, एंड जो सेकंड जो ये तीन चार लाइनें हैं, दीज आर दी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। दिस इज स्लाइड शोइंग सम निमोनिक्स फॉर रिमेम्बरिंग पोरफायरिया नेम्स एंड पोरफायरिया एंजाइम्स, सो यू कैन नोट इट डाउन और टेक अ पिक्चर ऑफ इट एज यू विश। यू हैव टू डू दिस लेक्चर फ्रॉम लिपिनकॉट, चैप्टर नंबर 21 लिखा हुआ है आपके कोर्स में, लेकिन अगर आपके पास दूसरा एडिशन है तो आप लोग उसको सर्च कर लेना इंडेक्स में, उसमें आपको पोरफायरियाज का टॉपिक मिल जाएगा। पोरफायरियाज जो है वो फुल फ्लेज आप लोगों ने लिपिनकॉट से करना है। द लेक्चर वॉज शॉर्ट बट यू हैव टू स्टे हेयर टिल 10:50।